हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल रीनाज किचन हिंदी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तोरई की सब्जी। तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनती है ये, है और ग्रीन रेसिपी है तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं तोरई की सब्जी। तो ये तोरई दो तरीके की आती है, यह तुरई और दूसरी तुरई भी आती है। तो यहाँ पर मैंने गैस पे रख दी कढ़ाई, उसमें एक चम्मच ऑयल ऐड किया है। तो सबसे पहले जीरा को लगने दिया तड़का और इसी के बाद में हींग भी ऐड कर दी है। और इसके बाद में मैंने दो प्याज बारीक बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दी है। तो इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और लहसुन को भी फ्राई करेंगे। और लहसुन फ्राई हो चुका है यहाँ पे, तो ग्रीन चिली ऐड कर दी है मैंने, दो ग्रीन चिली जिसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। तो इनको जब तक इनका कच्चापन दूर ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए, इनको तब तक फ्राई करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने दो टमाटर की प्योरी बनाई है। आप चाहे तो प्योरी नहीं बनाना चाहते तो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सबसे पहले टमाटर को ऐड किया है, तो इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर टमाटर को पकने देंगे ऑयल के साथ। लगातार चलाना है इसे मसालों को। तो अब इसमें ऐड करूंगी मैं जितने भी सूखे मसाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐड करने जा रही हूँ रेड चिली। तो यहाँ पे एक बड़ी चम्मच रेड चिली ऐड करने जा रही हूँ। धनिया पाउडर एक चम्मच ऐड किया है और इसी के साथ यहाँ पे ऐड करूँगी मैं नमक, हल्दी पाउडर ऐड किया चौथाई चम्मच और नमक ऐड किया यहाँ पे आधी चम्मच। तो मिला लेंगे एक बार मसाले को। मिलाने के बाद में इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा कप पानी और मसाले को पकाने के लिए तो इसको कवर करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करने के लिए ढक्कर रखूँगी एक मिनट के लिए। तो दूसरी तरफ मैंने तुरई को काटा है इस शेप में। आपने कभी इस तरह से तुरई खाई हो तो मुझे ज़रूर आप बताना। और तुरई को मैंने बीच में से इसका जो बीच वाला पार्ट है उसको निकाल के अलग कर दिया है और बिल्कुल खाली कर दिया है। और इसको बराबर शेप में यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम तुरई और बीच का पार्ट बिल्कुल निकाल लिया, इसको भी यूज़ में लेंगे। तो यहाँ पे ढक्कन हटा लेंगे। एक मिनट हो चुका है तो देखिए तेल भी सेपरेट हो चुका है यहाँ पर। तो एक बार मिला लेंगे मसाले को। मिलाने के बाद में यहाँ पर ऐड कर देंगे तुरई एक एक करके। तो मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ एक से दो जने के लिए तुरई। अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाकर मसालों को भी बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल, और इसको बनाएंगे हम ग्रेवी वाली नहीं, बिल्कुल सूखी बनाएंगे और बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी लाजवाब सब्जी बनेगी। एक बार ज़रूर इस तरह से आप बनाकर देखिए और अलग सा फ्लेवर भी आएगा और दिखने में भी बहुत ही सुंदर दिखेगी सब्जी अगर आप किसी को परोसते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल मसाले के साथ मिला ली है। तो इसके बाद में एक बार मिला लेंगे मसाले को और बीच वाला पार्ट भी है वो भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो भी मसाले के साथ पक जाए। इसका भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है अगर मसाले में इसको ऐड कर देते हैं। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए इस तरह से रेसिपी को। तो इसको अब हम पकाने के लिए ढककर रखेंगे करीबन 5 मिनट के लिए कि जब तक तुरई गल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए एक बार चेक कर लेंगे कि गली, देखिए तेल भी चारों तरफ से सेपरेट हो चुका है और लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो मेरे तो मुंह में पानी आ चुका है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तोरई की सब्ज़ी। तो इस तरह से तोरई की सब्ज़ी मैंने सीखी थी अपने हस्बैंड से बनाना, उनको बहुत अच्छे तरीके से ये सब्ज़ी बनानी आती है। तो उन्होंने ये रेसिपी देखी तो मैंने सोचा मुझे भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।
तो मैंने अलग मेथड से बनाई है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करने के लिए ढक्कन रखूँगी 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट हो चुका है, तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद और बिल्कुल बनकर रेडी है टेस्टी लाजवाब और मसालेदार तोरई की सब्जी। तो हमने बनाई है आज सूखी सब्जी और इस सब्जी का फ्लेवर ही कुछ अलग होता है। जो बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके तुरई बनाते हैं या फिर और किसी शेप में कटिंग करके तुरई बनाते हैं, उसका टेस्ट अलग आता है। तो एक बार इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करिए। तो बिल्कुल लग रही है ना टेस्टी सी, और दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और सुंदर भी लगती है। अगर आपने इस तरह से कभी बनाई हो, इस तरह से कटिंग करके बनाई हो, तो मुझे आप ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको मैं आपको चारों तरफ से घुमा के दिखाती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो।